So hello students, so we have started the factors which affect the ionization enthalpy, and in that series we have studied four factors in detail, and fifth factor we will complete today. जो तीन फैक्टर्स हमने चार फैक्टर स्टडी किए थे वो कौन कौन से, एटॉमिक साइज था, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, और फिफ्थ हमने स्टार्ट किया था स्क्रीनिंग इफेक्ट. सो दो पॉइंट मैं ये इस चीज़ को समझाने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. पहला क्या है, जो हमने ऊपर पॉइंट नंबर फोर पढ़ा था पेनिट्रेशन इफेक्ट, दैट इज़ फॉर आउटरमोस्ट वैलेंशियर इलेक्ट्रॉन्स. जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो उसको किसके साथ कॉरिलेट करना है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ. पेनिट्रेशन इफेक्ट इज correlated to the outermost valence shell electrons. और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या जो शील्डिंग इफेक्ट है उसको किसके साथ correlate करना है आपने, शील्डिंग इफेक्ट इज ड्यू टू किसकी वजह से, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है. सो दीज पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर कि पेनिट्रेशन इफेक्ट किसके लिए है और शील्डिंग इफेक्ट किसके लिए है. शील्डिंग इफेक्ट जो है आपको एक्सप्लेन किया था एक एग्जांपल लेके कि अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या थे, जो शील्ड है दैट वॉज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. यहाँ पे जो न्यूज़पेपर था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट वॉज रिप्रेजेंटिंग इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ओके. अब एक डायग्राम के बेस पे मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से. सो आई विल प्लॉट अ न्यूक्लियस एज वेल एज, एक मैंने यहाँ पे बनाया है ये, लेट दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, एक मैं बनाता हूँ इनर शेल, ठीक है. So here I have the inner shell. So this is inner shell. And in the center I will draw a nucleus. That this is the nucleus which is positively charged. Okay. So जो outermost electrons हैं ये हैं. This is outermost shell. Sorry. This is outermost shell. Valence shell जो है. और ये आउटरमोस्ट से इनर शेल, इनर शेल कौन सी होगी, हमेशा किसको हमने कंसीडर करना है, दैट इज पेनल्टीमेट शेल. पेनल्टीमेट शेल मींस इफ आउटरमोस्ट शेल इज फोर्थ तो पेनल्टीमेट शेल क्या होगी, पेनल्टी मेट शेल होगी थर्ड, ओके. सो इफ आउटर मोस्ट शेल इज फिफ्थ वन, पेनल्टीमेट शेल कौन सी होगी, फोर्थ. जो आउटर मोस्ट से एक अंदर है, जो आउटर मोस्ट से एक अंदर है, इसको आप दूसरे तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो. जैसे एक क्रिकेट के मैच में आपको पता है देयर आर सिक्स बॉल्स, छः बॉल्स होती हैं इन वन ओवर, तो जो फिफ्थ बॉल है वो पेनल्टीमेट बॉल होगी. सो उसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं मैंशन कर दूँ, अगर सिक्स्थ आउटरमोस्ट शेल है तो पेनल्टीमेट शेल कौन सी होगी, फिफ्थ. तो हमने ये फिफ्थ को चेक करना है यहाँ पे. अगर फिफ्थ आउटरमोस्ट है तो फोर्थ का इफेक्ट स्टडी करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट, और अगर फोर्थ आउटरमोस्ट शेल है तो थर्ड शेल का हम शील्डिंग इफेक्ट स्टडी करेंगे. अब शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, लिसन केयरफुली. इन मल्टी इलेक्ट्रॉन आई विल राइट दिस कंप्लीट पैराग्राफ, सो प्लीज़ बी टेंटेटिव. इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, जहाँ पे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स, एन अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस.
from the positively charged nucleus. And important है कि and a repulsive force, repulsive होता है repel करना, a repulsive force from the electrons present in the inner shell. और inner भी main कौन सी, inner कौन सी लेके चलनी हमने, पेनल्टीमेट शेल. सो दो तरह की फोर्सेस जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगेंगे, कौन कौन से, ये जो लेट मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर देता हूँ इन वट वे. ये है मान लो आउटरमोस्ट शेल है, ये आउटरमोस्ट शेल पे ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं कुछ, आई ड्रॉ सम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. और ये है पेनल्टीमेट शेल, मतलब जो इनर शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो मैंने ड्रॉ कर दिए. सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स, वो एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, किससे, फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस से. और रिपल्सिव फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे किससे, फ्रॉम रिपल्सिव फोर्सेस किससे, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं. बिकॉज आपको ये अच्छी तरह से पता है इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे ये, ठीक है, इनका नेगेटिव चार्ज है, दे आर नेगेटिवली चार्ज. और जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज. तो ये कौन सी होंगी, दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेस, दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेस. बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, दे विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्सेस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से. तो यहाँ जो आएंगी ये कौन सी होंगी, ये जो फोर्सेस होंगी दे आर अ रिपल्सिव फोर्सेस, अ रिपल्सिव फोर्सेस. जितने ज़्यादा यहाँ इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरते जाएंगे रिपल्सिव फोर्सेस भी उतने ही इंक्रीज करते जाएंगे, और यही शील्डिंग इफेक्ट का कॉज बनता है. ओके, द ओवरऑल इफेक्ट जो यहाँ पे बनेगा वो क्या होगा, द ओवरऑल इफेक्ट इज इफेक्ट किसका, ऑफ दीज टू अपोजिंग फोर्सेस, द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दीज टू अपोजिंग फोर्सेस, अपोजिंग फोर्सेस इज दैट the attractive forces exerted by the nucleus on the valence shell electrons on the valence shell electrons are somewhat reduced. जो forces हैं वो weak हो जाएंगे, ठीक है, and these outermost electrons experience weaker forces of attraction from the nucleus. इस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है. इम्पॉर्टेंट है एक पॉइंट ये, द एक्चुअल चार्ज
the actual charge experienced by the valence shell electrons is called effective nuclear charge and the repulsive forces experienced by the valence electrons from the inner shell electrons is called shielding or screening effect. Means Z effective means effective nuclear charge is equal to total charge, total nuclear charge जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं एंड माइनस एक कांस्टेंट आ जाता है एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसका सिंबल है सिग्मा पढ़ना है इसको ठीक है. अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें कैसे पता चला कि किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट स्ट्रांग है किसका वीक है. द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं बाय इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड. और ये ऑर्डर क्या है एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ अगेन पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले इसकी शेप ऐसी है न्यूक्लियर चार्ज इसके ऊपर सबसे ज़्यादा लग जाएगा तो इट विल प्रिवेंट द आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डी एंड एफ. दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट. अगर एस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इनर शेल में ओके तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है. उससे कम पी का होगा उससे कम डी का होगा और उससे कम एफ का होगा. अब इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए आई विल गो फॉर एन एग्जाम्पल एंड दैट एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पी ब्लॉक में फिर से आती है. सो वो एग्जाम्पल क्या है मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपको यहाँ पे वो पूछूंगा क्वेश्चन क्या रादर मैं एज इट इज एग्जाम्पल कंसिडर कर लेता हूँ उसको. बोरोन एटॉमिक नंबर 5 ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ. ग्रुप 13 के मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ. सबसे पहले लिखा मैंने बोरोन फिर लिखा मैंने एल्यूमिनियम और फिर लिखा मैंने गैलियम. इतने काफ़ी हैं एटॉमिक नंबर 5, 13 एंड 31 ये डाउन दी ग्रुप लिखे हुए हैं. दीज एलिमेंट्स आर रिटन डाउन दी ग्रुप मैंने ये लिखे हुए हैं. ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं डाउन दी ग्रुप 5, 13, 31, 8 का फ़र्क है फिर 18 का फ़र्क है वो हम पढ़ चुके हैं. अगर इसके कन्फिगरेशन की बात करें इट इज़ 1s2 2s2 2p1. एल्यूमिनियम की अगर बात की जाए कंप्लीट लिख रहा हूँ मैं इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ठीक है. और गैलियम का बात करें तो मैं यहाँ पे आर्गन 18 यूज़ कर लेता हूँ देन 4s2 3d10 एंड 4p1. सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है इनके बोरोन के एल्यूमिनियम एंड गैलियम के ठीक है. और दे आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप क्योंकि आपको पढ़ाया मैंने पीरियोडिसिटी है ये ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर सेम रहेगा सो दे विल बी प्लेस्ड इन सेम ग्रुप क्योंकि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगी.
तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन इज नॉट द मेन पार्ट, मैं इनके एटॉमिक साइजेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई कितने होंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। और डाउन द ग्रुप हमें अच्छी तरह से पता है, पढ़ाया आपको इसी चैप्टर में, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इनक्रेजेस। सो ओबियस सी बात है, बोरोन का एटॉमिक साइज आएगा 85 पिकोमीटर, तो एल्यूमिनियम का इससे ज़्यादा होगा, और वो कितना है, इट इज़ 143 पिकोमीटर। बट जैसे ही हम एल्यूमिनियम से गैलियम में पहुँचते हैं, इट्स एटॉमिक साइज एक्चुअली शुड बी ग्रेटर देन 143, बट ये स्लाइटली कम हो जाता है, इट इज़ 135 पिकोमीटर। तो ये रेडियोस क्या हुआ, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, साइज जो है, साइज इज रिड्यूस्ड एंड इज ड्यू टू पुअर, पुअर मीन्स वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन इनर थर्ड शेल। उससे क्या होगा, मैंने आपको बताया सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट S का है, P का है, और फिर उससे कम है D का, और सबसे कम है F का। तो ये प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब दे आर न्यूज़पेपर्स, जो D एंड F हैं दे आर न्यूज़पेपर्स, इनकी वजह से क्या होगा, बाहर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लग जाएगा। तो जो आपको मैं पीछे एग्जांपल करवा रहा हूँ, करवाई थी मैंने ये एग्जांपल आपको करवाई थी, तो बेसिकली जो ये न्यूज़पेपर है इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, इट इज़ लाइक डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज नहीं लगेगा, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज मतलब मैग्नेट का इफेक्ट है, सीधा आयरन नेल के ऊपर लगेगा और इसको उठाना डिफिकल्ट हो जाएगा, और आयरन नेल ज़्यादा क्लोज भी आएगी मैग्नेट के। ओके, यहाँ पे जो वुडन ब्लॉक है मोटा ब्लॉक था, शील्डिंग स्ट्रांग थी, तो स्ट्रांग शील्डिंग किसकी है, एस और पी दे शो स्ट्रांग शील्डिंग इफेक्ट, डी एंड एफ दे शो वीक शील्डिंग इफेक्ट। तो इनका इफेक्ट क्योंकि वीक है, तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज, और बाहर कौन सी, यहाँ पे फोर्थ शेल, देखो आउटर मोस्ट शेल इस केस में कौन सी है, इन केस ऑफ गैलियम आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, आउटर मोस्ट शेल इज फोर्थ। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट किसका स्टडी करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट स्टडी करेंगे थर्ड शेल का, ठीक है, और थर्ड में किसकी फीलिंग है, यहाँ पे देयर इज फीलिंग ऑफ डी सब शेल, और जिसका शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर, जिसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स और 4p वाले इलेक्ट्रॉन्स, दे विल एक्सपीरियंस मोर न्यूक्लियर चार्ज। सो इसका मैं इलेबोरेशन यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D सबशेल ऑफ इनर थर्ड शेल इन गैलियम आउटरमोस्ट फोर्थ शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस एंड आर स्ट्रॉन्गली पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। As a result, atomic size is slightly reduced. तो ये shielding effect का मैंने आपको एक with example, एक proof दे दिया है कि अगर inner shell में electrons ऐसी shell में पड़े हुए हैं जिसका shielding effect poor है, तो बाहर वाले electrons के ऊपर nuclear charge ज़्यादा लगेगा। अगर वो nuclear charge ज़्यादा लगेगा, then what will happen, those outermost shell electrons will be strongly attracted toward the nucleus or size reduce हो जाएगा। so ये थे factors। so अब तक हमने ionization enthalpy के केस में क्या क्या study किया है, you can check, ये था हमारे पास topic
आयनाइशन एंथैल्पी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आई, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को गैशियस स्टेट में एटम होना चाहिए, कब तक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो, जब तक वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं कर लेता। दूसरा फिर आपको बताया सक्सेसिव आयनाइशन एंथैल्पीज, मींस एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दे आर सक्सेसिव आयनाइशन एंथैल्पीज, और जो सक्सेसिव आयनाइशन एंथैल्पीज उनका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स हमने मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की स्टडी की, पांच फैक्टर्स हमने इसके स्टडी किए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइशन एंथैल्पी, पहला था एटॉमिक साइज, सेकंड वाज न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड वाज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस पोर्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए, और उसके बाद पेनिट्रेशन इफेक्ट था, और फिर था शील्डिंग इफेक्ट, जिसके मैंने आपको एग्जांपल्स लेके एक्सप्लेनेशन सारी दे दी। सो इनर शेल, पेनिट्रेशन इफेक्ट हमेशा आउटर के लिए स्टडी करना है, और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो ये एक केस आपको मैंने डिस्कस कर दिया, बिकॉज ऑफ दिस शील्डिंग इफेक्ट एटॉमिक रेडियस जो है गैलियम का वो एल्यूमिनियम से स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है। सो ये था आयनाइशन एंथैल्पीज के बारे में, अभी इसमें दो तीन और पोर्शंस हैं। तो अब नेक्स्ट जो हेडिंग है इसी टॉपिक से रिलेटेड है, वेरिएशंस ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग इज वेरिएशंस ऑफ आयनाइशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल कैसे ये वेरी करेंगी। तो आपको पता है दो केसेस हम इसमें हर बार स्टडी करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये चीज़ हम स्टडी करेंगे। और अच्छी तरह से आपको पता है ऑन मूविंग अलोंग ए पीरियड एटॉमिक साइज रिड्यूसेस, ऑन मूविंग अलोंग ए पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस, हेंस ऑन मूविंग अलोंग ए पीरियड आयनाइशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, आयनाइशन एंथैल्पी बढ़ेगी। जो दूसरा फैक्टर स्टडी करेंगे वो होगा डाउन द ग्रुप, सो सेकंड इज डाउन द ग्रुप, और डाउन द ग्रुप आपको बताया साइज बड़ा होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, सो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स ईजियर टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैंस आयनाइशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो ये था वेरिएशंस के बारे में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर मैं डिस्कस करूँगा, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज कंपेयर
the ionization enthalpy of neon and Na positive. This is very important question. Neon और Na positive की ionization enthalpy का comparison करना है. तो हमारे ध्यान में एक बात बड़े सीधी स्ट्राइक करती है कि neon novel gas है, ठीक है, और ओबियसली नोवल गैस है तो स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा, इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि स्टेबल कन्फिग्रेशन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको ये चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही मैटर नहीं करता, साइज़ भी मैटर करता है. ओके, सो सी हियर हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन. मैं नियोन का कन्फिग्रेशन लिखने जा रहा हूँ. नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2, 10s का एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6 हो गया. Na का कितना है, सोडियम का, सोडियम पॉजिटिव का क्या होगा, ओबियसली उसका भी सेम ही होगा, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तो अब कन्फिग्रेशन वाला कंसेप्ट तो गया, आप स्टेबल अनस्टेबल की बात नहीं कर सकते. 1s2, 2s2, 2p6, तो बोथ दी स्पीशीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड हैव स्टेबल नोवल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. स्टेबल नोवल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑब्वियस ही है आप यहाँ पे कन्फ्यूरेशन के बेस पे इनका इफेक्ट नहीं बता पाओगे कि क्या होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होगा. सो यहाँ पे जो मेन रीज़न है, द साइज ऑफ Na पॉजिटिव इज स्मॉलर देन नियोन, ये हमने पढ़ा है. क्यों, बिकॉज इन Na पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इज हाई. हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में साइजेस के बारे में बात कर रखी है, न्यूक्लियर चार्ज इज हाई, लार्ज कह लो. ओके, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, हमने ये पहले स्टडी कर रखा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में साइज किसका छोटा है, दैट आई एम गोइंग टू शो यू. इन केस ऑफ आयनिक रेडियस वी हैव स्टडीड दिस पार्ट, सो दिस इज़ द केस. आप देख सकते हो ये है ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस. तो जो Na पॉजिटिव है वो स्मॉलर है साइज में देन Na, ठीक है, Na पॉजिटिव का साइज छोटा है, नियोन का ज़्यादा है. कन्फ्यूरेशन सभी का सेम है, दे आर 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. सो साइज के बेस पे हम यहाँ पे इस चीज़ को इलेबरेट करते हैं. हैंस, तो क्या आंसर आएगा, हैंस आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Na पॉजिटिव इज ग्रेटर देन किसे, नियोन से. सो ये था इसका आंसर. एक और क्वेश्चन मैं आपको अब दे रहा हूँ, इसके बारे में सोचना है आपने. And what is that question? Question is, just wait. Question is, compare the first and second ionization enthalpies of Na and Mg, sodium or मैग्नीशियम की फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज को आपको करना है कंपेयर. दिस क्वेश्चन इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. सो ये आपके लिए काम है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है मेरे पास, इस पूरे टॉपिक को डिटेल में स्टडी आप करोगे.